Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Welcome back to my another channel, मेरे भाइयों और उनकी बहनों. आज का हमारा व्लॉग माशाल्लाह से शुरू होता है गुल बाबा के साथ. तो भाई हुआ यूं कि आज हुआ हमारा क्लास कैंसल. तो आज हम करेंगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो. क्लास हमारा कैंसिल हुआ है. ये हमारे असनाद भाई खड़े हुए, ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ व्लॉग में आऊंगा. आपके चूंकि 12,000 सब्सक्राइबर हैं, मैं फेमस हूं, 1.1 वीडियो में दो फेमस हो जाए. चलो ये बात ये भाई का दिल रखने के लिए चलो मान लेते हैं. अभी हम आपको आज अपने लैब की सैर कराएंगे. लैब में हमारे बहुत सारे स्टैच्यू रखे हुए हैं, उनमें से एक स्टैच्यू ये भी आप देख सकते हो. गजब बेइज्जती है ये भाई सर. ये सर हमारे, ये हमारे सर हैं, इनका नाम है सिजावर सर. तो अभी हम आपको क्या कहते हैं हड्डियां दिखाएंगे, दिल दिखाएंगे, दिमाग दिखाएंगे, जो कि लड़कियों के पास नहीं है दिमाग. और हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, अगर बस इसको देखते रहे ना. में भेजा कहते हैं ना, हाँ वही है ये भेजा नहीं, इसको खोपड़ी कहते हैं भाई. आपको नहीं, भाई आपको नहीं आता है, नेट में पड़ी नहीं यार पूरे. ये इसको बहुत आता है, इसको आप यहाँ पे आओ भाई. इसको क्या कहते हैं, ये जो मैंने कहा इसको कहते हैं ब्रेन. क्या ब्रेन? अच्छा ब्रेन, ये करता क्या है? बेटा तुमसे ना हो पाएगा. आप बताओ इसको क्या कहते हैं? ये आंखें दज्जाल. अच्छा दज्जाल की आंखें, और ये आएगी ना बड़े खतर खतरनाक काम करेंगे भाई. मुझे लगता है ये इमरान खान का आंखें. हाँ लग रहा है. चलो भाई इसके अलावा हम ये जो खैर ये सादे से आंख वगैरह थे वो खोपड़ी में भी रंग नहीं लगा होता, ये खोपड़ी में रंग भी लगा हुआ है. हमारे पास बहुत ही आला किस्म के खोपड़ियाँ पड़े हुए हैं यार. ये कोई बंदा अगर मर जाए उसकी खोपड़ी है या किसी और चीज से बनाई? भाई ये पता किसकी खोपड़ी है? वो शख्स सामने बैठा हुआ है ना, ये उसकी खोपड़ी है. तभी इसमें तो हमने आपको खोपड़ियाँ वगैरह दिखा ली. खैर मजाक बहुत हो गया, ये हमारे पढ़ने की जगह है, हम यहाँ पे सीखते हैं. हम जो के हैं फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट है भैया, हम फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट है. यहाँ से देखो ये पूरा ये आएगा 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 यहाँ पे. अब हम इनसे मिलाते हैं सलाम. सलाम वालेकुम भाई. मेरे एक चीज है कि जो कि बहुत बड़ा है, आपको मैं दिखाऊं? दिखाऊं भाई. आपका इतना बड़ा है? नहीं यार मेरे को इतना भाई, मेरा दिल बहुत बड़ा है. ये तेरा ही निकाला है क्या भाई? आपका दिल बड़ा है? नहीं छोटा है दिल. आपका छोटा है? भाई ये क्यों असर है? पता नहीं क्यों असर है. पागल है ना, पागल खाने से है. तो अभी हम चलते हैं बाहर, यूनिवर्सिटी का दीदार भी आपको करवाएंगे, उसके बाद हम पता नहीं क्या क्या करेंगे, सब आपको दिखाएंगे. टेंशन नहीं ले रहे अपन है ना, अपन है ना. अभी हम गुल बाबा को वजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना किलो है. माशाल्लाह भाई कितना किलो है? 55 किलो है माशाल्लाह. इस चेहरे के साथ ये नहीं लगता 55 किलो है. आप बहुत खाते हो मेरे ख्याल से. बहुत खाता हूँ, दिन में तो 4 पराठे क्लियर खाता हूँ. दिन में 4 पराठे और दिन को बोले दोपहर के खाने में बहुत ज्यादा मतलब. भाई का भी खाना खाता हूँ. और रात को? रात को तो और. अब्बू का भी खाना खा लेते हो? शायद शायद थोड़ा थोड़ा खा लेते हूँ. थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं भाई. अभी असनाद भाई को हम ब्लॉग में शामिल करेंगे और असनाद भाई आपको हमारे पूरे डिपार्टमेंट का जो है ना विजिट करवाएंगे. गुल बाबा आप क्या चला रहे हो? साइकिल चला रहे. गुल बाबा साइकिल चला रहे भाई. आज हमारे पूरे व्लॉग में आपको गुल बाबा ही गुल बाबा दिखेगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे बीच में कोने में
आसमानों में जमीन के अंदर आपको गुलबाबा ही गुलबाबा दिखेगा। गुलबाबा माशाल्लाह बहुत मेहनती है हमारे भाई, अभी पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन के लिए गए थे, पर अफसोस आप लोगों को तो पता है वहाँ पे सोर्स चलता है, तो गुलबाबा को रिजेक्ट किया बहुत है, तो बहुत अफसोस होता है। अफसोस की बात है, हम इसको देख नहीं पाएंगे यार, वरना मैंने बोला टीवी में देखेंगे हम गुलबाबा को। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप गुलबाबा को मेरे व्लॉग में डेली देख सकते हो। ये भाई हमारे मास भाई रनिंग कर रहे हैं सुबह सुबह, स्पोर्ट्स मैन है भाई हमारे भाई। बहुत ही मजा आ रहा है, आवाज कश भाई आवाज निकालो भाई, आवाज निकालो आवाज भाई, आवाज नहीं निकालते इसमें एक्सरसाइज में भाई, इसके एक्सरसाइज में वो निकालते हैं ना आवाज जोर से, यही वाला आवाज चाहिए, इस आवाज निकालते हैं। भैया आपको हम जिम करना सिखाएंगे, जिम मैं ट्रेनर हूँ, हाँ भैया आप मेरा ट्रेनर। क्या नो भाई मसल मसल बन गया आपके भाई, मेरे मसल चसल बन गए, ये देख सकते हो भाई। भाई मैं प्रोटीन प्रोटीन कुछ भी नहीं खाता हूँ, नेचुरल हूँ माशाल्लाह। भैया मुझे नजर करो कैमरा हटाओ। You serious? जो से हमें जिसका इंतजार था वो आखिर हमारे पास आया, हमें इस जान का इंतजार था। ये भाई का भी हमें इंतजार था भाई। आज मुस्तफा अच्छा लग रहा है तो मतलब मुझे आप इग्नोर करोगे, माना कि वो आज सेक्सी लग रहे हैं लेकिन यार आपकी पर्सनैलिटी सबर भाई, आपको मैं दो तीन शॉट लूं चाय पिलाता हूं भाई, मुझे चाय पिलाओ, मैंने बोला आप दोनों अच्छे लग रहे हैं। आपको के बाद आपको नहीं नहीं सबर बंद करो, आपको भी चाय पिलाते हैं। चले भाई मैं चाय पीने जा रहा हूं, मैं चाय नहीं भाई, चाय नहीं यार क्या कर सकते हैं, गजब बेइज्जती है। तो अभी हम यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे शख्सियात से मुखातिब होंगे, उनसे पूछेंगे कि आप यूनिवर्सिटी मतलब कि आपने यूनिवर्सिटी का आगाज़ कैसे किया, आप कैसे यूनिवर्सिटी आए और आपको मतलब उन चीज़ों का शौक़ कैसे चढ़ा, मतलब यूनिवर्सिटी का शौक़ कैसे चढ़ा। तो पहले हमारे सामने मुखातिब है अहमद भाई, ये भाई आप यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हो या मॉडलिंग कर रहे हो? एक्चुअली मैं आता हूँ मॉडलिंग करने जी, बस मसला ये है भाई आपका ब्रांच कौन सा है? ब्रांच मेरा ब्रांच है, लोग मुझे वैसे एमयू बंटा के नाम से बुलाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब हम जाएंगे अपने इस माशाल्लाह अजीम खूबसूरत हैंडसम गुड लुकिंग भाई, और चाय नहीं मिल रही है मैं क्या करूँ यार, भाई मुझे चाय पीनी भी नहीं है, क्या पीना है फिर आपको भाई? मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, गर्म है गर्म है भाई, आप कैसे कह सकते हो गर्म, मौसम गर्म है, कोल्ड ड्रिंक तो गर्म नहीं है, तो कोल्ड ड्रिंक भी गर्म होगा, बच्चे भी गर्म है भाई। आप मतलब किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, आपका मतलब इन फ्यूचर आप किस चीज में कौन सी फील्ड में जाना चाहोगे? यार वैसे तो मेरा ड्रीम है कि मैं फुटबॉलर बनूं इंटरनेशनल, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, कायम पे दुनिया उम्मीद है, कायम पे दुनिया उम्मीद है। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम अपने भाइयों से पूछते हैं कि आप जब यूनिवर्सिटी में आए वो पहली ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मुतासर किया, तो भाइयों आप लोगों को किस चीज ने ज्यादा मुतासर किया? बहुत तेज हो रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पूरे पाकिस्तान घूम ले आपको ये चीज कभी जिंदगी में किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगी भाई। यूनिवर्सिटी में क्या है? दोरू की कुल्फी। ये भाई भी असर है, ये भाई भी असर है। भाई आप क्यों असर हो? दोरू की कुल्फी। तो भाई आज हम आपको दिखाएंगे कौन आए कौन आए कौन आए कौन आए कौन आए, हुसैन आया है, ये मेरे भाई माशाल्लाह से दुबई में दुबई से क्या करके आए, दुबई से एज करके आए, देखो सबको मिल रहे हैं भाई, मुझसे नहीं मिलोगे भाई, आप आओ तो सही
माशाल्लाह सुभानहु तआला भाई माशाल्लाह इतने वाइट वाइट होके आए हो दुबई से। मां मैंने धूप नहीं देखा एक महीना। ये दुबई से आने का नूर है भाई। ये देखो काला है। दुबई से वापस आने का नूर है। मैं दुबई नहीं गया ना भाई। ये देखो काला है, ये देखो गोरा है। मैंने एक महीने धूप नहीं देखा वहाँ पे। वहाँ पे हमने क्या किया तुमने बारे में बताए? एक महीना दुबई में कैसे एंजॉय किया? समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये हमारे यूनिवर्सिटी का है, इसका नाम है यूनिवर्सिटी का कमजोर। यूनिवर्सिटी के बाद क्लास तो आ गई था थोड़ी सी, बस व्लॉगिंग कर ली। उसके बाद हम नाश्ता करने आ गए। अस्सलामुअलैकुम। फाइनली नाश्ता करके आ गए। आज हम आपको मशहूर और मारूफ हमारे प्रिंसिपल साहब फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो के हेड हैं उनसे आपको मिलाएंगे। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मत बच्चे कैसे? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। और सुनाओ बच्चे, पढ़ाई कैसी जा रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, पढ़ाई तो बहुत माशाल्लाह से बिंदास जा रही है। गुड गुड गुड। और सब भी ठीक है तुम्हारी? सर माशाल्लाह आप बड़े प्यारे लग रहे हो आज। आपका आज मैं जो है ना असल में आज किसी की फरमाइश पे मैंने गुलाबी कलर का शर्ट। सर ये पिंक है? ये सॉरी ये पिंक नहीं, ये बेबी पिंक है। अच्छा बेबी फॉर्मेशन। हाँ पिंक के भी कुछ फार्मेसी कर सर जा रहे हैं। आज तो लोगों का दीदार ही दीदार हो रहा है। ये हमारे यूनिवर्सिटी के टॉप टॉलेस्ट बॉय हैं। आप भाई उठे, अपना हाइट दिखाएं हम लोग को। आप उठे ना भाई, ये कैमरे में पूरा नहीं आता है। ये देखो ये माशाल्लाह इसका सर यहाँ से। आपको पूरा कैप्चर करने के लिए मुझे जो के ना 14-15 वाइड एंगल क्योंकि आप बहुत लंबे हो माशाल्लाह से। मैं आपका हाइट दिखाऊं, ये यहाँ से शुरू होता है भाई मेरे। ये यहाँ पे माशाल्लाह भाई ये बहुत लंबे है भाई। अब सारी चीज़ें हो गई एंड में आपको पता है प्यास तो बहुत लगती है। हम क्योंकि अमीर लोग हैं, हम रेड बुल पीते हैं। कार जिस अजीम सर की हम तलाश में थे उसे हम सर ही कहेंगे क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह से बलूची जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके मशहूर और मारूफ डायरेक्टर साहब जो हैं हमारे सामने ये खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे माज भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और आप, मैं कैसे बताऊँ कि मुझे खुशी हो रही है? चलो थोड़ा कैमरा हिला के बताता हूँ, ऐसे मुझे खुशी हो रही है। चले थैंक यू भाई, हमें भी खुशी होती है आपको देख के। आप जिस तरह के मजेदार टिकटॉक्स बनाते हैं। सर अभी मैं यूट्यूब की दुनिया में आ चुका हूँ। अरे जबरदस्त भाई, जबरदस्त व्लॉग्स बना रहे हो फिर? जी सर। तो ये भी उसी का सिलसिला है? उसी का सिलसिला है। कैरी ऑन बच्चे, कैरी ऑन। सर आप, मैंने जो चैनल का नाम है बड़े सोच समझ के रखा है क्योंकि मेरी बातों में कोई ना उसको क्या कहते हैं मत सच्चाई नहीं है यार, उसको कहते हैं कि ना मेरी बातों में कोई मतलब रास्ता नहीं होता है, बेतुकी बातें कर देता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने इसी वजह से अपने चैनल का नाम भी रखा है बेतुकी बातें। बेतुकी बातें, बेतुकी बातें। लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन है उन बेतुकी बातों के पीछे बहुत बहुत मकसद की बातें भी छुपी हुई होंगी। मैं जानता हूँ माज भाई आप इतनी ऐसे हैं नहीं जैसे आप देखते हैं भाई। थैंक यू सर। वो आपने खुद को खुद बदनाम करवाया कि मैं बेतुकी बातें करता हूँ। आपके साथ बैठ के जो चिल हम करते हैं ना, जो मजा आता है वो वंडरफुल भाई। शाह साहब और मैं, हम एक खेल खेलने जा रहे हैं जिसमें हम एक सवाल पूछेंगे, मतलब जो हमारे सामने शख्स खड़ा होगा उससे सवाल पूछेंगे, फिर उसको कहेंगे कि भाई अगर आपने बताया सही जवाब दिया तो हम आपको ट्रीट देंगे, अगर आपने नहीं बताया तो आप ढेर देंगे। शाह साहब अभी वलीद भाई से सवाल पूछे। आप जिस इलाके में रहते हैं उसको गुलमामद लेन कहा जाता है? जी जी। गुलमामद के बाप का नाम क्या था? वो अबू बोलते थे। गलत जवाब। गलत जवाब। आपने देखा वलीद ने जवाब बिल्कुल गलत दिया। शाह साहब ने बहुत ही संगीन सवाल पूछा, संगीन स्ट्रॉन्ग। अभी ये जो के सवाल का जवाब नहीं दे पाया, अब हम इसको ढेर देंगे। आप सबके सामने, ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं इनके सामने आपको ब्रेक डांस करना है।
गाना भी गाना है और साथ में डांस भी डांस भी करते हैं। गाना तो आप लोग लगाओ ना, एक चीज डांस आप करो। ओके तो आज का हमारा व्लॉग उसका इख्तिताम यहाँ तक होता है। तो बराए मेहरबानी, मेहरबानी नहीं मतलब, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको माज का व्लॉग अच्छा लगा तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में वो जो घंटी वाली बटन दिख रही है ना उसको तो सबसे पहले दबाइएगा, क्योंकि इनके व्लॉग्स डेली आ रहे होते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। माज आने वाले दिनों में बहुत मजेदार चीजें बनवाने वाले हैं, बहुत अच्छी चीजें ये बनाते हैं। इनके टिकटॉक्स के तो मैं वैसे ही फैन था, लेकिन अभी जब व्लॉग्स आएंगे तो ये तो भाई सर मैं शर्मा रहा हूँ। मुझे पता है कि लोगों को मेरा व्लॉग पसंद नहीं आएगा, फिर भी अगर पसंद नहीं भी आए ना बस सब्सक्राइब कर दो, व्यूज शेयर धड़ाधड़ कर दो, क्योंकि आपका भाई जब डकी भाई की तरह 5 करोड़ वाला गाड़ी लेगा ना आपको भूलेगा नहीं।